गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड साइंस एंड टुडे इज़ आवर टॉपिक लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस। मतलब लिविंग थिंग्स से नए जनरेशन का निर्माण होता है। एनिमल्स रिप्रोड्यूस आइदर बाई लेइंग एग्स आर बाई गिविंग बर्थ टू यंग वंस। एनिमल से जिसमें जो अंडे देने वाले होते हैं, या फिर आर बाई गिविंग बर्थ टू यंग वंस, या जो जन्म देने वाले होते हैं। इंसेक्ट्स, फ्रॉग, फिश, स्नेक, लिजर्ड्स एंड बर्ड्स ले एग्स। इंसेक्ट है, मेंढक है, मछली, सांप, छिपकलियाँ और चिड़ियाँ अंडे देती हैं। एनिमल्स सच एज माइस, कैट, डॉग, काउस, डियर, लायंस एंड टाइगर गिव बर्थ टू यंग वंस। और एनिमल में चूहे, बिल्लियाँ, कुत्ते, गाय, हिरन, शेर और चीता, ये सब बच्चों को जन्म देते हैं। मेनी काइंड ऑफ प्लांट प्रोड्यूस फ्रूट विद सीड। बहुत सारे प्लांट में फ्रूट से सीड मिलता है और उसी से नए प्लांट की ग्रोथ होती है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस न्यू थिंग्स लाइक देमसेल्फ। और नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। लिविंग थिंग्स गिव आउट द बेस्ट प्रोडक्ट। लिविंग थिंग्स में बेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। ए लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क्स टू द ऑल टाइम। इट बॉडी प्रोड्यूस मेनी फंक्शन वाइल द बॉडी वर्क। तो लिविंग थिंग्स जो है हमेशा काम करती रहती हैं और वो परफॉर्म मेनी फंक्शंस वाइल द बॉडी वर्क। इट प्रोड्यूस दिस सेवरल वेस्ट प्रोडक्ट। और जब बॉडी वर्क करता है तो बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। वेस्ट इज़ हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। और वेस्ट जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होता है। विच वाई टू काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिमूव द वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी। और जिसलिए उस रिमूव वेस्ट को शरीर से बाहर निकाला जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट गिव आउट वेस्ट प्रोडक्ट। नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकालते हैं। मेनी ट्रीज प्रोड्यूस गम। गम इज़ द बेस्ट रिमूव्ड बाय द ट्री। बहुत सारे पौधे या बहुत सारे पेड़ गोंद निकालते हैं। गोंद उस पेड़ का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। एनी थिंग दैट काजेस ए रिस्पॉन्स इन द लिविंग थिंग्स इज स्टिमुलस। तो जितने भी लिविंग थिंग हैं उनमें स्टिमुलाई होता है। स्टिमुलाई का मतलब है एक तरह से सेंस। एनी काजेस टू रिस्पॉन्स, जिससे वो रिस्पॉन्स देते हैं उसे स्टिमुलस कहते हैं। सनलाइट आर एग्जाम्पल। सनलाइट जो है आपका एग्जाम्पल है। स्टिमुलस मेक टू लीव्स सर्टेन प्लांट्स ओपन। बहुत सारी पत्तियाँ, पौधों की पत्तियाँ खुलती हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग लीव्स इट्स रिस्पॉन्स। ओपनिंग और क्लोजिंग इसका क्या कहलाएगा, रिस्पॉन्स। द स्मेल ऑफ शुगर अट्रैक्ट एंड शुगर की स्मेल से चींटियाँ आती हैं। द स्मेल ऑफ शुगर इन केस स्टिमुलस। जो शुगर की स्मेल है वो स्टिमुलस है। और मूवमेंट जो एंट का है वो उसका रिस्पॉन्स है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट स्टिमुलाई। नॉन लिविंग थिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। लिविंग थिंग्स हैव ए लाइफ इज फॉन। लिविंग थिंग जितने हैं उनका जीवन काल होता है। ये द टाइम पीरियड ऑफ विच लिविंग थिंग्स लिव्स इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पैन। एवरी लिविंग थिंग्स हैज ए सर्टेन लाइफ स्पैन। ट्रीज फॉर एग्जाम्पल लाइफ फॉर मेनी ईयर्स वाइल हर्ब्स लिव फॉर फ्यू मंथ। लिविंग थिंग्स डाई आफ्टर ए लाइफ स्पैन इज ओवर। तो जितने भी जैसे पेड़ पौधे हैं उनका भी जीवन काल निश्चित है। कुछ पौधे हैं उनका जीवन काल कुछ महीनों का होता है। कुछ प्लांट ऐसे उनका सालों का होता है। और सभी जीवित थिंग्स जितनी हैं वो एक अपना लाइफ स्पैन पूरा करके उनकी डेथ हो जाती है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव ए लाइफ स्पैन। नॉन लिविंग थिंग में कोई लाइफ स्पैन नहीं होता है। देखिए, गिवन सम लाइफ स्पैन्स। हाउस फ्लाई का 1 month, मैरी गोल्ड 5 month, डॉग 13 years, एलिफेंट 17 years, पैरट 50 years, कार फिश
100 years, mango tree 100 years, Jane Torotis 150 years, pine tree 300 years. Thank you, student, and your chapter have finished.